हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन सोनाली। आज मैं एक बहुत अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ, उसको हम बोलते हैं सेल्फ केयर। सेल्फ केयर ना टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट वन इज़ इंटरनल एंड सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर से हम सब सेल्फ केयर करते हैं, अपने हेयर्स को कट करते हैं, अपने हेयर्स को कुछ ना कुछ उसमें हेयर स्टाइल्स बनाते हैं, अपनी बॉडी को अच्छे दिखने के लिए, अपने लुक को अच्छे दिखाने के लिए हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, फेस के लिए हम अलग अलग सैलून्स में जाते हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें अपनी रूटीन में ऐड ऑन करते हैं कि हम अच्छे दिख सके बाहर से। बट एक्सटर्नली अच्छे दिखने से अच्छा है कि हमें इंटरनली अच्छे दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनली हम अपने आप को अगर अच्छा करें तो शायद हमें कुछ बीमारी भी ना हो, शायद हम कुछ स्ट्रेस भी ना लें, और शायद हमारा दिमाग में इतनी सारी बातें जो घूमती है ना वो भी ना घूमें। और उसके लिए अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है, अपनी अंदर आत्मा से कनेक्शन करना बहुत ज़रूरी है एंड अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। इंटरनल केयर हम थ्री टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ माइंड, अपने दिमाग को पहचानना, वो डिवर्ट ना हो। सेकेंड वन इज़ बॉडी, उसको एक अच्छा फूड दे के उसकी देखभाल करना। एंड थर्ड वन इज़ सोल, अपनी आत्मा को पहचानना पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी से, कि क्या पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। हर किसी का लाइफ जीने का एक मंत्र होता है, मंत्रा जिसको बोलते हैं। कुछ लोग का मंत्र होता है कि हम लोगों ने सक्सेसफुल बनना है, कुछ लोगों को होता है कि हमने लाइफ में कभी भी कोई स्ट्रेस नहीं लेनी है, और कुछ का होता है कि हमें ऑलवेज हैप्पी रहना है, और कुछ लोगों का मंत्र होता है कि हमें ऑल टाइम वर्क करना है, काम करना है, और कुछ लोगों का मंत्र होता है कि लाइक मुझे फिट रहना है, कुछ ना कुछ हर किसी का मंत्र होता है। आपका भी कोई ना कोई मंत्र होगा ना, कोई ना कोई मंत्र तो होगा आपका लाइफ जीने का, बिकॉज विदाउट मंत्र आपकी लाइफ जो है वो कुछ नहीं है, मीनिंगलेस है। लेकिन उस मंत्र को पहचानोगे कैसे? अपनी अंतर आत्मा को जगा के, अपने आप को पहचान के कि आप क्या हो, अपनी कैपेबिलिटी को पहचान के, अपने सपनों को जगा के। क्या एक होम वाइफ ऐसे चीज़ों के बारे में सोचती है? नहीं सोचती है। क्या आपने कभी सोचा है आपके भी सपने होंगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने इंटरनल को पहचानना पड़ेगा, इंटरनल की केयर करनी पड़ेगी आपको, इंटरनली आपको सेल्फ केयर करनी पड़ेगी। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अपने लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप अपनी सारी बीमारियों को दूर करना चाहते हो, एक फिट गर्ल बनना चाहते हो आंटी से, पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी को पहचानना चाहते हो एंड अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो ना, तो ये वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें मुझे किसी ने सिखाई थी 2-2.5 साल पहले, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम समझ जाएँ तो हम अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगी आज, बॉडी, सोल एंड माइंड। सबसे पहला है माइंड। माइंड को कैसे अच्छे रखें, माइंड को कैसे काबू में रखें, उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। नेगेटिविटी को पहचानना पड़ेगा, वो नेगेटिव पीपल है, अगर मैं उसके पास बैठती हूँ तो मुझे अच्छा फील नहीं होता, इट्स मीन वो नेगेटिव है, मुझे उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, बिकॉज मुझे उसके साथ नहीं बैठना चाहिए क्योंकि मुझे अपना दिमाग ख़राब नहीं करना, इसका मतलब वो नेगेटिव है, उसकी और मेरी सोच नहीं मिलती है। तो पॉजिटिव लोगों के साथ मिलो, जिसके साथ बैठ के आप खुश हो जाओ, जिसके साथ बैठ के आपके फेस पे स्माइल आए, खिड़के हंसो जोर जोर से। ऐसा काम में मतलब पॉजिटिविटी इट्स मीन कि आपको जो काम करके ना दिल से खुशी हो, उसको हम पॉजिटिविटी बोलते हैं। तो सबसे पहले ना पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के दो रास्ते बनाओ, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना उनकी तरफ चलो, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना उसके रास्ते को ही मोड़ लो, ना जाओ उस पर, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मेरी बातें कड़वी ज़रूर लगेंगी लेकिन सच बोलूँगी मैं। बुक्स को पढ़ो,
एक ऑथर जब बुक लिखता है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। वो चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या करनी चाहिए, बिकॉज उसने अपनी सारी नॉलेज ना एक बुक पे रखी होती है, और वो बुक हमारे लिए कितनी कीमती होती है। सो बुक्स हमेशा अपने पास रखो, अच्छी अच्छी बुक्स जिससे आपको नॉलेज मिल सके, जिससे आप बहुत कुछ गेन कर सकते हो, इवन अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। मैंने कुछ मेन मेन पॉइंट्स लिखे हैं जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। डू सम क्रिएटिव थिंग्स, आज हाउस वाइफ हो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नई टाइम है, जितना टाइम मिलता ना उसको क्रिएटिव बनाओ। आपकी भी कुछ होबीज़ होंगी, कुछ सपने होंगे, कुछ सोचा होगा उसके बारे में, उस पर वर्क करना स्टार्ट करो, फेसबुक पे काम करना स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम पे काम करना स्टार्ट करो। जो आपकी होबीज़ हैं, गाने की है तो कुछ गा कर करो, बनाने की है तो कुछ बना के लाइव डालो, डांस करने के तो डांस करो, बट उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखो। आपको बहुत सारे लोग देखेंगे, और आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों से कहाँ पहुँच जाओगे ना, शायद आपको भी पता नहीं चलेगा। ऐसे लोगों से मिलो जो आपको पॉजिटिव रखते हों, नेगेटिव पीपल से मिलना छोड़ दो, वो आपकी लाइफ ख़राब करेंगे। सोल को कैसे अच्छा रख सकते हो, उसकी केयर कैसे करोगे? ऑब्वियसली अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है मेडिटेशन। हर कोई इंसान अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करता है, एक टाइम पे मैंने भी की, स्ट्रेस इसको बोलती हूँ, पेन किलर्स खाते हैं, PCOD होता है, थायराइड होता है, मुझे माइग्रेन हुआ था, आई एट 9 to 10 पेन किलर्स डेली, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 months मैंने खाई, थोड़ी देर और खाते तो शायद आज आपके सामने भी ना होती। बट किसी ने बोला था अपनी लाइफ को चेंज करना है तो खुद को समझ, वही समझ के आपके साथ आज बात कर रही हूँ। हेजिटेशन होती थी मुझे लाइव आने में, फेसबुक पे बात करने से, किसी से बात करने में, लेकिन उस हेजिटेशन को दूर करने के लिए मैंने मेडिटेशन की, योगा किया। सुबह उठती थी 5:30 बजे जब सब सो रहे होते थे, शिव शंकर जी की ट्रांस लगाती थी, ओम करके डीप ब्रीथ लेती थी। सबसे ज़्यादा ना भोले शंकर को मानती हूँ मैं, उन पर बिलीव करके मैं सब सुनती थी, मेडिटेशन करती थी आधा पौना घंटा बैठ के, पूरा दिन अच्छा जाता था। इसको कर करके ना हैप्पीनेस को पहचानना सीख गई, समझ लग गया कौन मेरा है कौन नहीं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, आप लोग भी समझ सकते हो। बताए मेडिटेशन करना शुरू करो, योगा करना शुरू करो, फिजिकली हेल्थ को फिट करने के लिए, बीमारियों से दूर करने के लिए, अच्छी बॉडी के लिए योगा करो, एक्सरसाइज करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जब होगी ना तो मुझे ज़रूर याद करना। नेगेटिव पीपल से दूर रहो, जैसे मैंने बोला, अपने आप को ग्रूम करके रखो, घर पे हो तो क्या हुआ यार, तैयार होके बैठो आराम से, अच्छे से अच्छे बन के रखो, एक लिपस्टिक तो लगा के रखो, अपने आप को ग्रूम करना तो अच्छा है ना, लेकिन मेकअप से नहीं, मेकअप से तो करो ही करो, अपने आप को ऑलवेज रेडी रखो, बट अपनी नॉलेज भी गेन करते रहो। अगर आपको घर पे भी काम करना है ना, फिर भी अपनी ग्रूमिंग मत छोड़ो, अपने आप को सेल्फ ट्रेंड रखो, कुछ ना कुछ नया करते रहो। एक टाइम आता है ऐसा कि हस्बैंड की लाइफ बिजी हो जाती है, बच्चे अपने बड़े हो जाते हैं, तब लेडीज़ के पास कौन होता है, हम खुद ही होते हैं। सो अपने आप को ग्रूम करना तो बनता है ना, अपने सपनों को जियो, छोटी छोटी खुशियाँ आपको बहुत बड़ी खुशी दे जाएगी एक दिन, सच्ची बोल रही हूँ आज। अपनी डायरी पेन लो, नोटिस करो कि 1 वीक के अंदर अंदर आपको कौन क्या क्या चीज़ें स्ट्रेस देती हैं। जब मैं स्ट्रेस में होती थी ना, तो मुझे किसी ने स्ट्रेस की ये सारी डेफिनेशन, ये सब चीज़ें मुझे समझाई थी। मैं डेली रात को बैठती थी और लिखती थी क्या चीज़ें नेगेटिव हैं, क्या पॉजिटिव हैं, क्या मुझे खुशी दे के गई आज और क्या मुझे रुला के गई, कौन मुझे टेंशन देता है जिसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, कौन मुझे खुशी देता है जिससे मैं खुश हो जाती हूँ। और चीज़ों को मैं समझती गई, और एक दिन ऐसा आया कि अपनी सेल्फ केयर करना सीख गई। आपकी लाइफ में भी आएगा, अपने आप से प्यार करो, नेगेटिव पीपल को दूर करो, अपने आप से प्यार करो कि आप सही हो, आप जो कर रहे हो वो सही है, आपके सपने जीना सही है, अपने आप को पहचानना सही है। अपने आप से ज़्यादा कोई नहीं पहचान सकता किसी को, जितना मैं अपने आप को पहचानती हूँ ना, कोई सामने वाला मुझे नहीं पहचान सकता। सो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, उससे उसके लिए अपने आप से प्यार करना पड़ेगा पहले।
एक न्यू मॉर्निंग रूटीन सेट करो, सुबह उठो, रनिंग करो, भागो। वॉक करती थी मैं, 87 kg की थी जब। रनिंग करते मुझे शर्म आ रही थी कि लोग क्या सोचेंगे, इतनी मोटी आंटी भाग रही है। लेकिन फिर भी भागी भागी मैं इस शर्म को दूर करने के लिए, क्योंकि एक लड़की बनना था मुझे यार। कभी जिम ज्वाइन नहीं किया, अभी जनवरी से किया, फरवरी किया, फिर मार्च में करना किया तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। अभी भी मुझे जिम से इतना अच्छा नहीं लगता है, योगा मुझे सबसे अच्छा लगता है, मेडिटेशन मुझे रिलैक्स देती है, मुझे अच्छी लगती है, रनिंग मुझे बहुत पसंद है। एक मॉर्निंग इवनिंग रूटीन सेट करो, अपने गोल्स को सेट करो, अपनी लाइफ के शेड्यूल को सेट करो, एक डायरी लो, उसमें सब चीज़ें लिखा करो जो डेली होती हैं, क्या पॉजिटिव देती हैं, क्या नेगेटिव देती हैं, क्या चीज़ें आप करते हो जिससे आपको खुशी मिलती है। अपने हैबिट्स को सोचो, क्या क्या आपकी हैबिट्स हुई जो आपने छोड़ दी। एक न्यू शेड्यूल, न्यू लाइफ स्टार्ट कर दो अभी से। टाइम अभी भी बिगड़ा नहीं है, लॉकडाउन है, टाइम अभी शुरू हुआ है। जब आप ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दो तो उसी टाइम सोच लो, अभी भी मैं जवान हूँ, अभी भी मैं सब कर सकती हूँ। अगर जवान हो तो ये सोचा, अभी मैं बच्ची हूँ, अभी मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सपनों को पूरा कर सकती हूँ, अभी कुछ देरी नहीं हुई है। बहुत खुशी होती है, काफ़ी टाइम से कुछ लोग फेसबुक पे नहीं आते थे, लाइव नहीं आते थे, वीडियोस नहीं डालते थे, अब सब डालते हैं, बिकॉज लोग ज़िंदगी जीना सीख रहे हैं। लॉकडाउन हुआ, बहुत नुकसान भी हुआ, लोगों की जॉब्स भी गई, लोगों के पास काम नहीं है, बट लोग फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो उनको हैप्पीनेस दे रहा है। बच्चों के पास टाइम, बच्चों के साथ रहने का टाइम नहीं होता था, लेकिन वो भी हो रहा है। ये चीज़ें खुशियाँ देती हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत कुछ सिखा के जाएंगे इंसान को। एक टाइम का अंधेरा ज़रूर है COVID-19, लेकिन उस अंधेरे के बाद जो रोशनी आएगी ना, वो बहुत खुशी दे के जाएगी। नेगेटिविटी को दूर करो, स्ट्रेस को दूर करो, जितना हो सके उसको पहचानो पहले, अपनी रूटीन को सेट करो, अपने एवरी आपका हर एक घंटा आपको यूटिलाइज करना है। पता है एक एक घंटा, एक एक पल बहुत कीमती होता है। जो पर्सन अपने 24 आवर्स को यूटिलाइज करना सीख जाता है, वो लाइफ में सब कुछ सीख जाता है। सो अपने आवर्स को, अपनी लाइफ को, अपनी रूटीन को यूटिलाइज करना सीखो, अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीख जाओगे तो सब कुछ सीख जाओगे लाइफ में। एक एक पल कीमती है, ये याद रखो। म्यूजिक सुनो, म्यूजिक मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं जब भी घर पे लॉकडाउन में काम करती हूँ ना, तो मेरे ईयर्स पे हेडफोन बजता है, ट्रांस सुनते सुनते मैं झाड़ू पोछा सब करती हूँ, पता है, बहुत खुशी से हो जाता है। ट्रांस सुनते सुनते घर का काम कब बीतता है, म्यूजिक सुनते सुनते कब बीतता है, सच में पता नहीं चलता। सो म्यूजिक मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब मैं दुखी होती हूँ तो सबसे मैं ज़्यादा ना म्यूज़िक सुनती हूँ, बिकॉज मुझे रिलैक्स मिलता है, मैं लॉन्ग ब्रीथ लेती हूँ ताकि मैं स्ट्रेस ना ले पाऊँ। आपकी तरह मुझे भी बहुत टेंशन होता था, पता है, छोटी छोटी चीज़ों पर होता था। लेकिन लाइफ में हर चीज़ अगर हम स्ट्रेस से ही निकालेंगे ना, तो हम ये स्माइल जो है ना, वो गुम हो जाएगी। सो इसको बेकरार रखने के लिए ना, आपको क्या करना है, स्माइल को कहीं नहीं जाने देना है, खुश रहना है, लोगों को भी खुश रखना है, जो नहीं रहते उसे खुद दूर हो जाओ, खुद तो पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा ना। हम अपना किसी के लिए अपना दिमाग तो नेगेटिव नहीं कर सकते। बुक्स पढ़ो जितना हो सके, ट्रांस सुनो, मुझे स्पॉटिफाई डाउनलोड कर सकते हो, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रांस होती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड बॉडी को अभी कैसे करोगे आप सेल्फ केयर उसकी, ये तो सबको पता है। हेल्दी खाना खा के, पानी पी के, सोल को एक्टिव रख के एंड माइंड को एक्टिव रख के, खूब सारा पानी पीना पड़ेगा, अच्छी डाइट खानी पड़ेगी, ग्रीन टी लेनी पड़ेगी, हर्बल टी ऐड करनी पड़ेगी, हेल्दी रूटीन सेट करना पड़ेगा, स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खानी पड़ेंगे। ये सब चीज़ें ना लाइफ की सच्चाई है, शायद कोई शेयर करता भी होगा, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपनी सेल्फ केयर करनी बहुत ज़रूरी है, अपनी अंतर आत्मा को पहचानना बहुत ज़रूरी है, लाइफ का एक मंत्रा सेट करना बहुत ज़रूरी है कि तुम लाइफ में करने आए हो तो क्या मंत्रा है तुम्हारा, क्यों सपनों को पूरा करना है। मुझे करना है बिकॉज मुझे अपनी पहचान बनानी है कि सोनाली इस दुनिया में आई है तो पता नहीं अगला जन्म कौन सा मिलेगा,
सो इस जन्म को तो यूटिलाइज करना चाहिए ना, ताकि मेरे बच्चों को प्राउड हो कि मेरी मम्मा जैसा हर कोई हो, मेरे माँ बाप को प्राउड हो कि मेरी बेटी जैसी एक बेटी भगवान सबको दे। वो सब किससे आता है? अपने आप को पहचानने से आता है। अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, अपनी हॉबीज़ को जो भी है आपकी हॉबीज़ उसको लोगों के सामने लेके आओ, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो, बुक्स पढ़ो, बहुत सारी नॉलेज मिलती है बुक्स में, सेल्फ केयर करो, सब कुछ मिल जाता है। अपने सपनों को पूरा करना सीख जाओ, बिकॉज सपने कभी नहीं मरते हैं। उन सपनों को जीना सीख जाओ, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। सपने सबके होते हैं, कोई जीता है तो कोई मारता है, बट मारने वाला इंसान नहीं होता है, जीने वाला इंसान होता है। सो सपनों को जीना है, अपनी लेडीज़ की स्माइल जो है ना उसको दूर नहीं करनी है, स्माइल के साथ ही फेस अच्छा लगता है उसको। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।